आज का मॉर्निंग लेट हुआ है, 9:30 बजे उठा हूँ। कल बहुत टायर्ड था, लास्ट कुछ दिनों से दोस्त हमारे घर में थे तो पार्टी वार्टी वाला माहौल था, लेट सो रहे थे, लेट उठ रहे थे, तो रूटीन अभी सेट हो जाएगा। बट सुबह उठते ही मैंने सबसे अच्छा काम कर लिया कि अपना आज का चेस्ट वर्कआउट था वो खत्म कर लिया। हाय, हो गया घर का सफाई वफाई? यस। बेबू ने साइकिल चला लिया क्या? भाग गई थी वो। मैंने देखा था आपको ऊपर से साइकिल चला रहे थे आप। अभी क्या, किधर घूमने हमने जाना है? फ्री है आपका बेबू? आज नहीं, आज थर्सडे, थर्सडे 2 दिन बाद आपका ना डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, सेकंड वो लगेगा आपका जो भी है फिलिंग विलिंग। आज डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है। हाँ आज नहीं जाना है लेकिन परसों जाना है। आपको अच्छे लगते ना डेंटिस्ट डॉक्टर? कल नहीं जाना, कल। कल नहीं, उसके बाद परसों चलेगा ना? नहीं, कल नहीं जाओ। किधर पेन तो नहीं होता है, खाली लेटे रहना होता है, आराम से तो ट्रीटमेंट हो जाता है आपका। कभी कोई बच्चा डेंटिस्ट के पास जाने के लिए इतना एक्साइटेड हो सकता है क्या? लेकिन ये है, स्पेशल है, जाजी का बच्चा, स्पेशल बच्चा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कैमरे के काफ़ी दूर खड़ा हूँ, अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि आगे आपने एडिशन में अपना लास्ट इक्विपमेंट रोड वायरलेस गो, जो कि इतनी दूर से भी ऑडियो को कैप्चर करता है। अब क्वालिटी क्या है वो तो मुझे एडिटिंग में पता चलेगा, थोड़ा इसका डिस्टेंस भी चेक हो जाएगा रोड वायरलेस गो का कि ये कितनी दूर तक काम करता है। इंट्रो देखिए और इंट्रो के बाद वायरलेस गो की अनबॉक्सिंग। राइडर है क्या चलाते हैं? टैंक। सर आप कैप्टन हो क्या चलाते हो? टैंकर। और यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा चला लेता हूँ। मैं पूछा क्या चलाते हो? सेला। मैं सब कुछ चलाता हूँ। क्वाड्रे का मेरा लास्ट वीडियो रिलेटेड आइटम है ये रोड वायरलेस गो। ये मुझे काफ़ी दिन से चाहिए था बट कोरोना के वजह से आई थिंक अवेलेबल नहीं था और मेरे को इसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ा। कुछ एक्सपेंसिव प्राइस में दे रहे थे बट अच्छा कि मैंने वेट किया, थोड़े दिन अबाउट 10-15 दिन मुझे वेट करना पड़ा और ये अवेलेबल हो गया अमेजोन पे, तो मैंने इसको मंगा लिया, मेरा लास्ट आइटम है। इसके अलावा मैं और कोई शॉपिंग नहीं करने वाला। वायरलेस माइक का फायदा ये कि अगर कैमरा दूर भी है, अगर आप बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइस में भी अगर हो तो क्योंकि माइक आपके पास एकदम आपके कॉलर में क्लिप रहता है तो आवाज़ उससे बेटर आती है। वाह वाह वाह, रोड भी यार क्वालिटी है यार, पैकिंग से ही पता चल रहा है इतनी अच्छी पैकिंग ये लोग दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा केस और वाह, इन्होंने केस के अंदर ही डाल दिया अपने दोनों ट्रांसरिसीवर एंड ट्रांसमीटर, दोनों को इन्होंने केस के अंदर ही डाल दिया है। प्लास्टिक कवर निकालने में मैं कभी भी लेट नहीं करता, लोग काफ़ी दिन प्लास्टिक कवर के साथ चीज़ें यूज़ करते हैं बट मैं उनमें से हूँ जो पहले ही दिन प्लास्टिक कवर को पूरा का पूरा निकाल देता है। बॉक्स के अंदर आते हैं दो फर जो कि बैकग्राउंड नॉइज़ को ख़राब करेंगे, एक ही यूज़ होगा आई थिंक, रिसीवर को कुछ नहीं चाहिए, ट्रांसमीटर के यहाँ पे ये लगेगा यहाँ पे ऐसे एक, और एक ही इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और इन्होंने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है एक केबल जो कि कैमरे के साथ कनेक्ट होगा और दोनों ट्रांस रिसीवर को साथ में चार्ज करने के लिए दो केबल आते हैं USB-C। वाओ, मेरा सेटअप कंप्लीट है, होपफुली मेरा ऑडियो अब और भी बेटर होना चाहिए। हेलो, दिस इज पहली बार मैं अपना टेस्ट कर रहा हूँ रोड वीडियो माइक। इसके पहले जो रिकॉर्डिंग थी तो वो मीडियम, रोड वायरलेस गो पे सेटिंग है, आप DB को लो, मीडियम, हाई रख सकते हैं, तो वो मैंने मीडियम पे की थी, मुझे आवाज़ थोड़ा ज़्यादा लाउड लगी तो अभी मैंने सेटिंग को लो पे कर दिया और आई थिंक माइक को भी मैंने बहुत ज़्यादा मुँह के पास रखा, अभी माइक को मैं थोड़ा सा अपने मुँह से दूर रखता हूँ। बेबू सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं आता है, आपको इसको डेली ना 10 मिनट्स करके 15-20 डेज चलाना पड़ता है, फिर आप प्रैक्टिस होते हो, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो ना, ये वैसे ही है, आपको एक बार बैलेंस बन गया उसके बाद ही आप चला सकते हो। एक बजे परफेक्ट टाइम टू हैव लंच, लंच काफी अच्छा है, ब्राउन राइस, यही सब हम खाते हैं। अब मैं चढ़ गया हूँ अपने टेरेस पे, बेसिकली अपने घर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे मैं आज इसलिए चढ़ा हूँ क्योंकि मेरा प्लान है कि घर के आजू बाजू के सारे सारे सीक्वेंस और फुटेजेस को रिकॉर्ड किया जाए ताकि हर व्लॉग में थोड़ा बहुत डाल सके उनको। किधर हो आप, तो दिख ही नहीं रहा, ये रहा। मस्ती है, सरप्राइजिंगली टेरेस मेरा आज काफी क्लीन है, बारिश के टाइम पे आई थिंक धूल मिट्टी आती नहीं आती है तो बारिश से वो वॉश हो जाती है, तो टेरेस को कुछ क्लीन व्लीन करने की खास जरूरत पड़ती नहीं है। सारे घर हमारे यूनिक है, एक के पास एक के पास एक के पास, सारे के सारे सेम लगते हैं, सिर्फ एक ये वाला घर है
ये वाला घर थोड़ा डिफरेंट क्योंकि इन्होंने अभी अभी नया नया पेंट करवाया और इनका घर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चमक रहा है। Both the hands. Okay, I copy you. Smoothly. I ain't got no time for romance, but baby, I don't want to lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. बज गए दोपहर के 3:30 और ये मैडम एक घंटे से क्या कर रही हैं? एक घंटे के ऊपर से पेपा पिक देख रही है। बंद करो, जल्दी बंद करो। बंद करो डार्लिंग। हम लोग का वही अपना ब्लैक कॉफी, सम कुकीज। बीबी किधर है? ये तू क्या कर रही है? सेम जो तू कर रहा है। अगर किसी लड़की को मरने वाले से शादी वाले का रिश्ता आया तो उसको क्या करना चाहिए? बिंदास शादी कर लेना चाहिए, मौका जाने नहीं देना चाहिए। इसका मतलब कि तू खुश है? बहुत खुश हूँ। बेबू ये लो, प्लास्टिक का स्ट्रॉ मत यूज करो, ये रीयूजेबल स्ट्रॉ है मेटल का, इसको यूज करो। ठीक है? ठीक है। ले लो एक स्ट्रॉ, इसको निकाल के यूज करो। निकालो एक, पूरा निकालो, वो एक ही है। वो एक ही है। ओके, एक ही है। देखो कैसा स्ट्रॉ दिया, फनी मैजिक स्ट्रॉ। Magic straw, it can be folded, kept easily in your bag, and you can use it, you can wash it, you can reuse it. Here's your time to shine, show me what you can do, make a move. The way my hands feel on your body, we're dancing in the dark, with every move I make you're falling. मैंने बहुत कोशिश की वो मूवी देखने की जो रंजना देख रही है, लेकिन मुझसे तो बर्दाश्त नहीं है। अब कुछ मिल नहीं रहा था स्नैक्स वगैरह, तो ओट्स दही और ये भुजा इसमें डाल दिया गया है। ये एंजॉय कर रहा हूँ गार्डन में, क्या करूँगा। मूवी का नाम बता। लव गारंटी। मूवी पकाऊ लग रही है। अब इसको भी मेरी बात समझ में आ गई कि मूवी पकाऊ लग रही है। अब ये भी मेरी तरह दही और भुजा बना के खा रही है। वो कपड़े तो लेकिन ऑलरेडी धुल गए ना। कौन सा? ये सब ऑलरेडी धो के डाल दिया ना सुखाने को। हमारा वॉशिंग मशीन स्टेशन बाहर ही है, ये धूप में रहती है मशीन और काफी खराब हो गई है, बट टेंशन नहीं, जब तक चलेगी चलेगी, फिर नहीं तो नया मशीन डाल देंगे। बाहर यहाँ पे मस्त है। हाँ तो क्या एटीट्यूड, जहाज पे हमारा हर 3 महीने में 4 महीने में मशीन खराब हो जाता है, नया ऑर्डर करना पड़ता है। घर वाला तो ऑलरेडी 3 साल हो गया, और कितना चलेगा जहाज की बात? 3 साल। हाँ हाँ, वो रेंट वाले घर से तब से यही तो मशीन चल रहा है। ओके बेबू, यू वांट टू वॉश क्लॉथ? ओके, डू इट डू इट डू इट, करो करो जल्दी करो। कैसे करेगा आज? प्रेस दिस पावर बटन, प्रेस नाउ, प्रेस। जहाज में हम लोग का इतना प्रॉब्लम होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 या 2 से 4 मशीन तो नया मंगाना ही पड़ता है। घर में तो इतना चलता है सालों साल, इसके पहले वाली 7-8 साल चली, इसको भी ऑलरेडी 2.5-3 साल हो गया। देखने में खराब लगता है, धूप में थोड़ा सा फेडेड हो गया, मगर चलने को बराबर चलती है और चलेगी ये सालों साल। चलो इसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है? तुम बेबू को लेके जाने वाली है पार्क में खिलाने के लिए? अभी तो आई एम मेकिंग पास्ता, उसके बाद लेके जाऊंगी। ठीक है ठीक है, बेबू को लेके जाएंगे खिलाने के लिए, मैं जाता हूँ एडिटिंग करने। चलो आप लोग को अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो चैनल पे। स्टे फिट, जय हिंद, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।